Welcome back to my channel. Welcome back to my another vlog. तो आज है संडे मॉर्निंग. देखिए पूरा बारिश हो रहा है देवमाली में. बहुत ज्यादा हैवी रेन. अब देखिए देखिए इतना हैवी रेन अचानक. ओके, सुबह तो अच्छा से धूप दे रहा था. हम लोग जब चर्च में था उसी समय अचानक से इतना ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गया और अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही. देखिए और आज मेरा मन कर रहा है कुछ अच्छा पका के खाने का. तो आज मैं बनाने वाली हूँ सीज़वान चिकन. आप लोगों को तो पता चल ही गया है कि आज क्या पक रहा है. सिज़वान चिकन एक चाइनीज़ चिकन रेसिपी. तो गाइस मेरा तो सिज़वान चिकन फेवरेट है एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा बना के खाने के बाद. आप लोग मेरा ये ब्लॉग पूरा एंड तक देखिए और सिज़वान चिकन ज़रूर बना के खाइए. इट्स और उसका टेस्ट ना इट्स सो गुड. उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है. बहुत सिंपल रेसिपी है. आप लोग आगे देखिए और अभी चलते हैं घर. उसके बाद हम बना के खाएंगे. अभी चलते हैं. हेलो. ओह यस, आज हम लोग सिज़वान खाएंगे ना. सिज़वान चिकन. सिज़वान तो खा चुके. खाएंगे उसी दिन खाए थे. मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर आधा कप, मैदा आधा कप, ब्लैक पेपर पाउडर और सॉल्ट. अभी इसको हम लोग अच्छे से मिला लेंगे. अच्छी तरह से पानी डाल के इसका बैटर बना लेंगे. अभी इसमें डीप करेंगे हम चिकन. अभी हम इसमें चिकन को डीप कर देंगे कॉर्नफ्लोर और मैदा का बैटर में. अच्छी तरह से मिलाकर 10 मिनट्स के लिए इसको रख देंगे ऐसे ही मैरिनेट करके. अभी हम कढ़ाई में तेल ले लेंगे. मैंने ये रिफाइंड ऑयल लिया है. इसी में अभी हम लोग वो चिकन जो मैरिनेटेड है उसको इसी में फ्राई करेंगे. जो कॉर्नफ्लोर और मैदा में डिप किया था इसको यहाँ में अच्छी तरह से क्रिस्पी तक होने तक इसको फ्राई कर लेंगे. एकदम लो फ्लेम में आपको ये फ्राई करना है ताकि अंदर का जो मीट है वो अच्छी तरह से पक जाए. अभी ये फ्राई हो गया है. आप देख सकते हो अच्छी तरह से लाल होने तक ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है. अभी हम पेन में मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और ये है प्याज, गार्लिक और जिंजर पेस्ट. इसको अच्छी तरह से भून लेंगे. उसके बाद कलर अच्छा आने के लिए मैं डाल रही हूँ ये कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल के अभी फिर से अच्छी तरह से भून लेना है इसको. और ये मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर. और ये है सिज़वान सॉस. ये सबसे इम्पोर्टेंट है सिज़वान चिकन में, सिज़वान सॉस.
सिजवान सॉस सब मिला करके इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। पानी डाल के इसको पकने देंगे, हम अच्छी तरह से पकने देंगे। उसके बाद इसमें हम ये अच्छी तरह से पक जाने के बाद, कुक हो जाने के बाद में हम इसमें चिकन को जो फ्राई करके रखा था वो डाल देते हैं। इसमें चिकन को डाल के थोड़ा देर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा समय और पका लेना है। देखिए ये कितना सुंदर, कितना टेस्टी बना है। इसको पूरा ड्राई कर देना है, पूरा सुखा देना है, जो पानी में सिजवान सॉस और सारा गार्लिक जिंजर पेस्ट था वो सबको सुखा देना है। अभी ये रेडी है सर्विंग के।